dear Indian education system, papa, mummy aur society, aaj mera result aa gaya aur main phir se fail ho gaya. Isliye ek bahut bada kadam uthane ja raha hu. Lekin uske pehle aap logon ko mere bare mein kuch cheezein janna bahut zaruri hai. 10 तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था. अच्छे नंबर आ गए तो माँ बाप तो छोड़ो, मेरे सारे दोस्त, पड़ोसी, दुकानदार, यहाँ तक कि मेरे अपार्टमेंट का गार्ड भी मुझे बोलने लगा, साहब आप तो साइंस ही लोगे, इंजीनियरिंग ही करोगे. नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को साइंस पसंद नहीं थी. आई लव साइंस. साइंस इज ब्यूटिफुल. साइंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ. लेकिन जब मैं 11th में आया तो स्कूल में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे हाफ इंटरेस्टेड टीचर्स साइंस तो पढ़ाते ही नहीं थे. पढ़ाते थे तो सिर्फ रोबोट की तरह कम से कम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करना. दैट किल्ड द ब्यूटी ऑफ साइंस सर. और वो मेरे क्लास का फिजिक्स टॉपर, वो तो ये मानता ही नहीं था दैट इवोल्यूशन एक्चुअली हैपेंड. उसको सिर्फ जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने थे. सो मच ऑब्सेशन विद साइंस. Yet India hasn't won a single Nobel Prize in science since independence. Nobel Prize to chalo awards hai. India produces the maximum number of engineers per year. Yet India ranks 60th in the Global Innovation Index. That means no major innovation has happened since independence. Sirf Aryabhatta invented zero. Yahi karte rehte hum. सच बताऊं तो 10th के बाद आई वॉन्टेड टू स्टडी फिजिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, हिस्ट्री, म्यूजिक एंड इंग्लिश लिटरेचर. मेरे इंटेलिजेंस और कैलिबर का वैल्यूएशन इन सारे सब्जेक्ट से क्यों नहीं हो सकता था? क्यों मैं उन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता था जो मुझे पढ़ने ही नहीं थे? तो मैंने छोड़ दिया, कोचिंग जाना ही छोड़ दिया. कोचिंग के टाइम पे घर से निकल जाता था, पाप में नॉवेल्स पढ़ता था, नई नई जगह घूमता था. टू बी ऑनेस्ट, आई फेल्ट फ्री. इट फेल्ट गुड नॉट टू बी अ ज़ॉम्बी. आई लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग ऑन माय ओन. आई लिसन टू सम ब्यूटिफुल म्यूजिक बाय मोज़ार्ट एंड रहमान. आई रेड पोएट्री. आई टॉट माई सेल्फ पाइथन एंड आई रेड सम अमेजिंग राइटअप्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स. मैं एक बड़ा कदम ले रहा हूं. आई एम ड्रॉपिंग आउट. नहीं, इसलिए नहीं कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग ये लोग सब ड्रॉप आउट्स हैं. इसलिए भी नहीं कि मुझे ड्रॉप आउट का टैग कूल लगता है. और फेल होने की फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. डियर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई एम ड्रॉपिंग आउट सिंपली बिकॉज यू डू नॉट मेक एनी सेंस. अब तुम यही पूछोगे कि तुम्हें जॉब कौन देगा, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? तो भाई कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा ना जो मेरे स्किल्स को देखे, मेरी क्रिएटिविटी को देखे, मेरे इंटेलिजेंस को देखे, सिर्फ मेरे CGPA को नहीं. हाँ, फेल हो गया. लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत कुछ है सीखने को, जानने को, करने को. सिर्फ मेरी मार्कशीट ही कहती है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लूंगा.